चलो बताना, एक किसान है, ज्यादा नहीं कमाता, ठीक है, आजादी से पहले के दिन है, तब कैसे किसान होते थे जानते ही हो, कैसे होते थे, और भी दुर्बल, और भी गरीब। और एक मंदिर है, उसमें एक पंडित जी हैं, ठीक, वो किसान, और हम बात कर रहे हैं 1930 की, वो किसान बस एक रुपया, बस एक रुपया हर महीने ले जाकर के क्रांतिकारियों को समर्पित कर देता है। उस समय का एक रुपया आज का, अरे इतना तो नहीं कर पाता होगा। वो किसान हर महीने बस एक रुपया ले जाकर के क्रांतिकारियों को समर्पित कर देता है, और कर वो किसानी ही रहा है, न गीता जानता है न रामायण, उपनिषद का तो उसे ऊ नहीं पता, करता क्या है वो, किसानी करता है। पर एक रुपया ले जाकर के चोरी छुपे भगत सिंह की संस्था को, चंद्रशेखर आजाद को ले जाकर के कराता है, और वो नहीं जानता कि ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी क्या चीज है, वो जाता ये सब जानता नहीं है। वो ये भी नहीं जानता कि जिन क्रांतिकारियों को वो ये रुपया दे के आ रहा है वो करेंगे क्या, वो तो वैसे भी अंडरग्राउंड रहते हैं अधिकतर। और दूसरी ओर हमने कहा एक है पंडित जी, पंडित जी काम करते हैं मंदिर में, और वहां आता है जम करके चढ़ावा, और पंडित जी दिन भर आरती गाएंगे और श्लोक, और वहीं बैठे हुए हैं, और जो चढ़ावा आता है वो अपना रोज रात को ले जाते हैं और घर में अपना खोस लेते हैं। पंडित जी सुबह से लेकर शाम तक श्लोक और मंत्र और भजन और कीर्तन यही करते हैं, और मंदिर में जो चढ़ावा आता है वो उठा के ले जाते हैं घर अपने। धीरे धीरे करके जमीनें खरीद रहे हैं और ये सब, उनका भी अपना कार्यक्रम चल रहा है, बिटिया की शादी करनी है। किसान जानता ही नहीं है, वेद पुराण कुछ नहीं जानता, वो बस इतना जानता है कि किसी भी तरीके से एक रुपया, और उसके लिए वो एक रुपया बहुत बड़ी बात है। अब बोलो आध्यात्मिक कौन है इन दोनों में? तुम अपना कर्मफल समर्पित किसको कर रहे हो? जिंदगी प्रमाण होती है, शब्द नहीं। तुम्हारा पसीना प्रमाण होता है, तुम्हारा श्रम प्रमाण होता है, तुम्हारी साधना प्रमाण होती है, तुम्हारा वक्तव्य नहीं। मेहनत कर रहे हो क्या? और जो मेहनत करते हो वो, फिर कह रहा हूं, किसको चढ़ावे में चढ़ाते हो? मेहनत दिखाओ अपनी, मेहनत। बातचीत तो कोई भी कर सकता है कि नहीं, बताओ वास्तव में किया क्या, और जो किया किसके लिए किया, जो कुछ भी किया किसके लिए किया। बहुत कुछ किया होगा अपने ही लिए किया तो, अरे क्या किया, बहुत करते हो, अरे अपने घर के लिए करते हो, भाड़ में जाओ, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, शाबाश, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है, जबरदस्त टेक्नोलॉजी लेकर के आई है, क्या बात है, क्या बात है। और आप कौन है? जी हम उसके 85% शेयर होल्डर हैं।
तो कंपनी जो कुछ भी करती है उसका माल कहां आता है? हमारी जेब में। भाड़ में जाओ।